दोस्तों HIV या एड्स एक ऐसी बीमारी जिसके नाम से दुनिया कांपती है। दोस्तों आइए जानते हैं एड्स आया कहां से। दोस्तों जब पूरी दुनिया पोलियो की खतरनाक बीमारी से लड़ रही थी तो साइंटिस्ट पोलियो की वैक्सीन ढूंढ रहे थे, तो उन्हें अफ्रीका के कुछ बंदरों से यह वैक्सीन मिला, लेकिन कम जानकारी और टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से उसमें एड्स का वायरस भी था। दोस्तों दुनिया पोलियो से तो ठीक हो गई, लेकिन HIV यानी एड्स जैसी खतरनाक बीमारी फैलती गई। दोस्तों आजकल एड्स सेक्सुअल इंटरकोर्स या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैलता है। दोस्तों इंडिया और अमेरिका में सबसे ज्यादा एड्स के केस आते हैं। दोस्तों अब एक खुशी की बात यह है, जापान में एक टीम ऑफ रिसर्चर्स ने एक बंदरों पर एक एक्सपेरिमेंट किया और वो कामयाबी हुआ, जिससे ये उम्मीद जागी है कि एड्स का वैक्सीन जल्द आएगा और इससे 37.7 मिलियन लोगों की उम्मीद जीने की बड़ी है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? ऐसी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।